दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर दोस्तों, जिसका उपयोग खासतौर से लोग जानते हैं कि इसका उपयोग सिर्फ पंखा में किया जाता है, बट ऐसा है नहीं है। इसका उपयोग बहुत जगह होता है, जैसे कि इसका उपयोग एसी वगैरह में भी किया जाता है, फ्रिज में भी किया जाता है, और बड़े बड़े मोटर से लेकर छोटे मोटरों में भी इसका उपयोग किया जाता है। कई सारे ऐसे बड़े कल पुर्जे हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। यानी इसका उपयोग काफ़ी लार्ज स्केल पे किया जाता है। और आपने यूट्यूब पे बहुत सारा ऐसा वीडियो देखा होगा जिसमें एक एलईडी के साथ इसको दिखाया जाता है। ये दोस्तों एक ऑयल डायरेक्टिक कैपेसिटर है, इसका नाम है ऑयल डायरेक्टिक कैपेसिटर, जिसके अंदर तेल भरा हुआ रहता है। यहाँ से तेल भरा जाता है दोस्तों, ये एक रिपीट जैसा आप देख रहे हो, इसके अंदर तेल भरा जाता है। कैपेसिटर जब बनती है तो उस बाद में इसमें थोड़ा तेल भर दिया जाता है। और ये देखो, हम इसके टर्मिनल पे हमने सोल्डिंग किया हुआ है वायर को, जिसके ऊपर हमने ये कैप लगाया हुआ है दोस्तों, ये देखो। और ये कैप को लगाए थे ताकि करंट वगैरह ना बॉडी में आए। ये 2.2 माइक्रोफराड 450 वोल्ट का कैपेसिटर है। आपने यूट्यूब पे कई सारे वीडियो देखे होंगे जहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि दिखा रहा है वो लोग कि इससे आप लाइफ टाइम एलईडी बल्ब जला सकते हो, और बहुत सारे दावे किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन दावों में कितनी सच्चाई होती है। तो सबसे पहले तो हम डिजिटल मीटर को लेंगे, और डिजिटल मीटर को 750 वोल्ट एसी पे सेट करेंगे दोस्तों। कभी भी 200 पे मत करना, क्योंकि करंट अगर 200 से ज़्यादा हुई तो फिर आपका डिजिटल मीटर ख़राब हो जाएगा। डिजिटल मीटर पर दोस्तों वीडियो बना हुआ है हमारे चैनल पर, आप देख लेना। और यहाँ पर वोल्टेज हम देखते हैं 228 से 32 वोल्ट लगभग, जो कि वेरिएबल है, कम बेसी होती रहती है। यानी लगभग 228 वोल्ट तक जा रहा है, जो कि काफ़ी हैवी वोल्टेज है। अगर हम 200 पे टेस्ट करते तो ये मीटर भी ख़राब हो जाता। हमें रखना है 725 पे सेट कर देना है। ये 200 पे नहीं रखना है दोस्तों, 725 वोल्ट पे रखना है। आपको पहले मैं आपको बार बार बता देता हूँ कि 200 पे चेक मत करना। और ये 725 पे हमने सेट किया, और अब हमें सबसे पहले जो है इस कंडेंसर को जांच करना है कि भाई कंडेंसर स्पार्किंग दे रही है। तो इसके लिए दोस्तों आपको डायरेक्ट लाइन में कंडेंसर के दोनों टर्मिनल को डाल देना है, यानी ये वायर को हम देंगे। और दोस्तों ऐसा घर पे बिल्कुल मत करना, ये काफ़ी रिस्की है। हम लोग काफ़ी सेफ्टी के साथ ऐसा कर रहे हैं। ये देखो कैसे स्पार्क करके एक चड़ाक से आवाज़ करती है, और ये हमारा कंडेंसर डिस्चार्ज होता है। तो यानी ये करंट को स्टोर कर रहा है, बट इस करंट का क्या हम उपयोग कहीं कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी सवाल उठती है कि क्या हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इसका उपयोग कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे ज़रूरी ये है कि हम देखते हैं कि वोल्टेज आखिर कितना बना रहा है। तो इसके लिए हमें डिजिटल मीटर पे वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, और तब तक हम दो चार बार और शॉर्ट कर देते हैं ताकि ये कन्फर्म हो जाए कि भाई करंट हम ले रहे हैं वहाँ से ही ये चार्ज हो रहा है। ऐसा तो नहीं कहीं और सोर्स से इसमें करंट आ रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जब इसमें करंट देते हैं तो थोड़ा सा करंट ये चुरा के रखता है, स्टोर करके रखता है, और वही करंट हमारा स्पार्क करता है, और स्पार्किंग के रूप में हमें शॉर्ट करता हुआ आवाज़ सुनाई पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम एक बार फिर कंडेंसर को चार्ज करेंगे और वोल्टेज में नापेंगे, यानी इसके अंदर कितना वोल्टेज स्टोर हो रहा है। तो ये देखो, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये अचानक से 0 वोल्ट हो रहा है दोस्तों। लेकिन इसने ये दोस्तों 343 वोल्ट से स्टार्ट हुआ था, आप पैक करके देख लेना, आपको यकीन अगर नहीं है तो। ये जैसे ही हमने इसे टेस्ट में दिया तो सबसे पहले 343 वोल्ट शो किया, और फिर ये धीरे धीरे वोल्टेज गिरता चला गया। और दोस्तों ये देखते हैं कितना से स्टार्ट कर रहा है, तो चार्ज नहीं हुआ है। एक बार फिर से कंडेंसर को चार्ज कर लें और देखते हैं इस बार कितना से स्टार्ट होता है, यानी कितना वोल्टेज स्टोर करता है। आपको तुरंत जांच करना है, थोड़ा सा भी देर करोगे तो फिर ये पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाएगा। ये फिर वैसे ही 350 के लगभग से ये डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, और काफ़ी जल्दी डिस्चार्ज हो जाए दोस्तों। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई इसका उपयोग हम कहीं कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जब इमीडिएट अपने करंट को डिस्ट्रॉयड कर रहा है, यानी अपने आप ये करंट डिस्चार्ज हो रही है, तो निश्चित है कि फिर उस करंट का उपयोग हम कहीं भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कहीं भी हम अगर इस करंट का उपयोग करेंगे तो सबसे ज़रूरी होगी कि करंट स्टोर कितना इधर रहता है। तो चलिए देखते हैं एलईडी भी जलता है कि नहीं। हमने अच्छी एलईडी ले ली है, और इसमें हम करंट देंगे। अब दोस्तों ये काफ़ी रिस्की है भाई, ध्यान देना, आप घर पर ट्राई मत करना।
आप देख लिए होंगे बल्ब एक क्षण के लिए जला और स्विच और यानी ऑफ हो गया, तो इतना ही देर के लिए बल्ब जल सकता है दोस्तों। इसका उपयोग जो भी बोलते हैं कि लाइफ टाइम जलेगा, ये जलेगा, वो जलेगा, वो बिल्कुल भी गलत है, उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। तो वास्तव में सच्चाई यही है कि भाई ये बल्ब इतना ही देर जलेगा, ये देखो, और एक झटके के साथ 1 सेकेंड के लिए बल्ब जलता है और ये कंडेंसर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है। हाँ, एक क्षण के लिए आप देख सकते हो, वो देख के आप खुश हो सकते हो कि भाई बल्ब जल गया चार्जिंग कैपेसिटर की वजह से, बट आप चाहोगे कि मैं उसे बहुत देर तक जला के रखूँ, तो ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है। ये पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण है कि भाई कैपेसिटर से हम लंबे समय तक LED वगैरह या कुछ भी जलाएंगे, ये बिल्कुल संभव नहीं है। किसी भी कंडेंसर का ये गुण होता है कि वो अगर स्टोर करके रखती है करंट को, तो वो ऑटोमेटिक भी डिस्चार्ज होती है, कुछ देर के बाद वो ऑटोमेटिक डिस्चार्ज होगी। अगर हम उसे शॉर्ट नहीं भी करते हैं तो भी वो अपना सारा करंट को शॉर्ट कर देगा हवा के ज़रिए, और वैसी स्थिति में फिर आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा ज़रा भी। और ये देखो, कंडेंसर को अगर आप जाँच करना चाहते हो तो कंडेंसर के रेंज में रखना, और ये क्योंकि 2 माइक्रोफेराड 2.25 माइक्रोफेराड का जो कंडेंसर है ये बहुत ही लो माइक्रोफेराड है, इसलिए आपको कुछ भी शो नहीं कर रहा, बट अगर इसमें बहुत सारा नंबर लिखेगा तो इसका मतलब है कि ख़राब है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।